नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा? लाखों प्रतियोगी छात्रों के मन में यही सवाल। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो इसके लिए विज्ञापन वर्षों पहले जारी हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की। अगर हम बात करें सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की तो इसमें लगभग 4,500 पद खाली हैं, 3,900 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी थी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत विज्ञापन कब जारी होगा इसका अता पता नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय में अटका हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में तब तक भर्ती नहीं आएगी जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती कब तक पूरी होगी इसका भी अता पता नहीं है। आप सभी को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तब भी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, वैसे तो विज्ञापन बहुत कम उत्तर प्रदेश में जारी होता है, मैं विगत 3 वर्षों से देख रहा हूँ। अगर किसी भर्ती का विज्ञापन जारी भी हो गया तो उसके कई चरण होते हैं। मैं महत्वपूर्ण चरणों से बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर लीक का प्रकरण सामने जरूर आ जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के 90% एग्ज़ाम को देखेंगे तो उसमें यह घटना सामने आती है। उसके लिए होता है महासंग्राम, फिर मामला जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर ज़्यादा कमियां पाई गई तो परीक्षा रद्द हो जाती है। बहुत ज़्यादा विरोध होता है, लंबे समय तक भर्ती फंसी रहती है तो भर्ती को ही रद्द कर दिया जाता है। इसमें कौन पिसता है? प्रतियोगी छात्र। तो विगत 3 वर्षों से जो कहानी सामने आ रही है, जो देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर यही लगता है कि एक भर्ती को पूरा होने के लिए कम से कम 3 से 4 वर्ष का वक्त चाहिए। भर्ती पूरी होगी या नहीं पूरी होगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। आप सभी प्रतियोगी छात्रों को यह मालूम होगा और कई समाचार पत्रों में आप सभी प्रतियोगी छात्रों ने पढ़ा भी होगा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय में अटका हुआ है। आज से नहीं, कई महीनों से अटका हुआ है। अब जब तक सरकार अपना इशारा नहीं करेगी तब तक यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नहीं भेजा जाएगा। 4,500 से अधिक पद खाली हैं, 4,500 से अधिक पद खाली हैं। भर्ती के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है 3,900 पदों के लिए। अब विज्ञापन कब जारी होगा, कब यह भर्ती पूरी होगी इसका भी अता पता नहीं है। लेकिन एक उम्मीद जग रही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव है तो उसके पहले 45,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।